Krishna
अपराध लक्ष्य एकताश्च कामादिकारं कामाद्वये कृपामिपं शरणं प्रपन्नं विन्दे नमस्ते शरणारविन्दं नमस्ते शरणारविन्दं विन्दे नमस्ते शरणारविन्दं विन्दे नमस्ते शरणारविन्दं विन्दे नमस्ते शरणारविन्दं सारे ब्रजवासी लोग इस महान उत्सव के ही परिवार की अच्छी तरह से सहायता करते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर हम रहते हैं स्थान के लिए लोगों के लिए सहयोग नहीं हो तो ये महान कार्य पूर्ण नहीं हो सकता।
वहां जगना गर्द जो है पर पूरा होगी। जब ऐसे महान संत महात्मा के समागम और विश्वास की गुरुदेव जी का स्मरण होती है। आज के दिन में गुरुदेव यहाँ पर विराजमान होते थे, सभी भक्त लोग मधुमक्षी के भांति गुरुदेव जी कथा गुरुदेव जी है अपने परिश्रम देखना आसानी जिस प्रकार कमल प्रस्फुटित होने के साथ उनकी सुगम सुगंध केसर आदि के हवा के द्वारा चारों तरफ प्रभावित माना कमल अपने सुगंध के द्वारा भ्रमर आदि का प्रयोग से समाचार सभी लोग बहुत उत्साह के साथ तत्व सिद्धांत के द्वारा पूर्व आचार्यों के विचारों के विशेष करके आज के दिन जो है यहाँ पर बैठते थे और भक्तों के द्वारा ही बुलाए और अंत में स्वयं ही उस समय तक अपार लीला चरित कथा तत्व सिद्धांत के मूल्य कृष्ण ही परम तत्व ये जन सकाश कृष्णस्तु कभी भी गौरे ब्रह्मा आदि देवता को भी कृष्ण के ऐसे लीलानंद देखकर भी श्रीमद् भागवत में इस कथा प्रसंग से देव गोस्वामी का भी वर्णन किया ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। ब्रह्म विमोहन स्वयं ब्रह्मा जी भी विमोहित हो इस लीला के दर्शन मारने के पश्चात अलहासुर की आत्मा जब आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगे अलहासुर भगवान ने अलहासुर को बंद किया सांप के रूप में आए कृष्ण सदान को निकालने के लिए कृष्ण समाज अंदर में कृष्ण के मुख में जाकर के आपके जो है बोले के वहां बाल लाल आपके बोले के वहां भी अंत में अलास के आत्मा जो है उनकी ब्रह्म तार और अलास मार्ग में अगर कृष्ण अलास के मुख से बाहर जब आ गए
सभा के साथ तब वो भाग के आत्मा जो आकाश मार में भ्रमण कर वो आपके कृष्ण के मदचंद्र में जा चुके समाहित हो गए। ब्रह्मा जी ने इस लाल कर अब दर्शन करके ब्रह्मा जी तत्व सिद्धांत के अनुसार विचार करने लगे कि कृष्ण भगवान क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो पशु विशेष करके हरि नाम का भगवान श्री हरि के द्वारा मर जाते हैं और श्री हरि उसको मार देते हैं और वह पशु की आत्मा भगवान की ज्योति में जाकर प्रवेश करते जिस वजह से आयुज मुक्ति प्राप्त भगवान की ज्योति में जाकर के वो इसलिए ब्रह्मा जी इस तत्व सिद्धांत के द्वारा प्रमाणित किया कि कृष्ण फिर दूसरे दिन स्वयं कृष्ण और एक बहुत सुंदर लीला आदि बाल गोपालों के साथ बैठे और माताओं के अपने अपने माताओं के द्वारा लग गया तो कल बाद में तो ग्रहण कर रहे थे अपने झुठन के गए कन्हैया भी गए और कन्हैया भी कृष्ण भी कृष्ण भी अपने झुठन भी गोपालों की भी इस लघु ब्रह्मा जी देख करके कुछ पहले तो विराम के बारे कृष्ण की भगवत्ता स्वीकार कर लिया शास्त्र के अनुसार किंतु अभी दूसरी लीला में देखा गया कृष्ण स्वयं बार बार भी बार बार की जो है जुड़ रहा देख करके ब्रह्मा जी के मन में कुछ समस्या यद्यपि ब्रह्मा मित्र पुरुष है ब्रह्मा के सामने लीला संपादन करने के लिए लीला को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं लोक माया देवी ब्रह्मा जी के मन में उसी प्रकार के संस्कार जो है प्रकाश कर दिए जितना आगे लीला नहीं होती है लीला इसलिए ब्रह्मा जी मन में विचार करके कृष्ण कैसे भगवान किंतु शास्त्र में ही लिखा है कि भगवान किसके उच्छिष्ट नारद शिव आदि परम देवता को स्वयं भगवान कृष्ण नारायण को उच्छिष्ट प्राप्ति करने के लिए लड़ाई कर मुझे प्रभु के छोड़ा सा एक बार तो नारद ऋषि वैकुंठ में गए और लक्ष्मी थोड़ी सी नारायण के उच्छिष्ट जो है नारद ऋषि नारद ऋषि ने उच्छिष्ट को प्राप्ति करके नित्य करने लगे प्रेम में और नारद ऋषि कैलाश में आकर के नित्य करने लगे शिव जी बोले नाम से क्या बात है आज इतने प्रेम जितने आप लोगों के नाम लेकर के नित्य क्यों कर नाम से बताया कि मैं क्या बताऊं लक्ष्मी देवी मुझे थोड़ी सी जो लोगों के कोशिश कर रही है और उसके बाद से मैं इतना भी प्रेम की संचार देखो तो सब के नाम पे तो जाता हूँ लागू इतना भी तो चुई फसल की बदलो लोगों की रोटी जाने मानव उत्पन्न होने से कैसे शिव जी बोले मुझे थोड़ा भी बोले नहीं सबसे खत्म हो गया बोले देखो नागुर का मन में कहीं थोड़ा है नाम से डालकर देखा पूरा नागुर के पास थोड़ी सी जगह
मानो चार के मानो किसी के चार कर दो तो ना किसी को दिखाया सिद्धि हो गया सिद्धि उसी प्रसाद को प्राप्ति करके नित्य कर तो ठाकुर जी की प्रसाद विशिष्ट प्रसाद सीधे नित्य करने और सीधी जब प्रेस मत होकर के नित्य कर नित्य करने लगे तो उस समय देवी पार्वती आकर के बोले बोली देव क्या बात दिया बोले नारदी जी ने तो इस प्रभु के जो है प्रसाद दिया उसके फसल में रहता है अपने को ये देवी पार्वती बोले मैं आपको अधान भी नहीं जो कुछ मिला मुझे तो थोड़ी देना क्या आधा को देना आधा में तो कुछ थोड़ा देंगे अरे थोड़ी सी नाम की कौन कौन में क्या तो नाम इसे मत दे दिया अरे कुछ भी हो तो देना चाहिए इस तरह के नाम जी के प्रसाद सभी हम द्वारा ही रहते हैं सिर्फ की बोले मैं तो भूली गए उस समय देवी पार्वती पुराण में कहा है देवी पार्वती से सिर्फ की उठा भी दी अभिशाप दे दिया थे किसी के कर्ण ऐसे पुराण में कहा है या आज से कहीं तुम्हारा प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा इसके साथ में कहीं के लिखा जाता है कि सिद्धि के प्रसाद नहीं ग्रहण पुराण और तो ये ऐसे से बिना नहीं हाँ तो इसका दिखाया प्रभु की उच्चिष्ट प्रसाद की जो महाप्रसाद कर रहे और भक्त के द्वारा जो चर्च जो उच्चिष्ट होता है उसके महाप्रसाद एक प्रसाद होता है महाप्रसाद होता है और एक महा महा पहले किसको भोग लगाते गुरुदेव की ठाकुर जी के जब ठाकुर जी के प्रसाद जो है वो गुरुदेव के लगाते हैं वो हो गया महाप्रसाद और वही महाप्रसाद का दर्शन लोग पाते हैं वैष्णव उच्छिष्ट होता है उसे कहा जाता है वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम प्रसाद होता है अरे महाप्रसाद होता है और तीसरी क्या है कथा में ब्रह्मा जी मन मन विचार करने लगे ठाकुर जी के प्रसाद प्राप्ति करने के लिए नारायण प्रसाद ब्रह्मा जी बड़े देवता नारद ब्रह्मा सिंह आदि आदि ऐसे बड़े देवता लोग ही यहाँ पर लक्ष्मी देवी का आयत है कहीं कथा भी सुनाते हैं लक्ष्मी जी अपने उच्चिष्ट अपने नारायण से प्रति को दीदे के लिए अरे वो भी सीता देवी नहीं तो दूसरी की बात सीता देवी अपने उच्चिष्ट जो है राष्ट्र में थी कोई भी कहते हैं वो दुर्भाग्य को चुके लाती थे राम क्या हो गया उसे विश्वास से कहते हैं जे कोई भी कहते रामानंद ऐसे नहीं दिखा कोई भी कहते हैं चेक करके जो है ऐसे दूसरे कहते ऐसे सिद्धांत और सिद्धांत होते जब सीता देवी अपने उचित दे नहीं सकती है तो कहां से जिस जिस पेड़ में अच्छे से फल होता था मीठा फल होता है उसी फल को जो है वो
ऐसे नहीं आपने चिड़िया दिखा तो टीवी में दिखा दिया रामायण के साथ अरे प्रभु देव अंदर में बैठा हुआ है
गॉड ने कहा ये ब्रह्मा जी मंदिर में बैठे हुए आपके लिए, आप कहां से आ रहे? विवरण
यहाँ तुमने दूसरी की बात बोल दी तो मुंह में भी जोड़ लिया तो कृष्ण भी ऐसे ऐसे निगाहें कर बहुत गंभीर बड़े बड़े ब्रह्मा जी बड़े बड़े देवता लोग जिनकी लीलाओं के घर समझ नहीं पाते और एक लीला का समय प्राण नहीं कर पाए। एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से गए तब उसमें कृष्ण तारक का इंतजार कर लीला एक बार कृष्ण गारिकापुरी में जो है विराजमान थे तो ब्रह्मा जी सप्त लोक से कृष्ण के साथ मिलने के लिए पधारे। ब्रह्मा जी के मन में एक थोड़ा अहंकार हो गया था एक नहीं एक मात्र ब्रह्म मैं से कोई जलने वाला हूं आकाश के तो रात्रि काल में आकाश में देखे कितने काले विज्ञान के अनुसार कहते हैं आज तक भी ऐसे नक्षत्र जो है उनके आलो जो है अभी तक पृथ्वी में पहुंच नहीं सकते तो इतने दूर में है रश्मि जो है कि भूल पृथ्वी लोग में पहुंचने के लिए कितने समय लगते हैं सूर्य के रश्मि जो है सूर्य को कितने मिनट लगता है एक छह सात मिनट लगता है तो इतने सूर्य से पृथ्वी कितने दूर में नौ करोड़ तीस लाख लक्ष तो वहीं से सूर्य उदित कब होता है सूर्य के रोशनी यहां पर पहुंचने में कितने समय लगता है करीब करीब छह सात मिनट लगता है निकाल और सूर्य से और भी बहुत करोड़ करोड़ मील दूर उसमें तो ग्रह मदद करते और उनकी तापमात्रा भी और भी सूर्य से भी अधिक तेज है आप उसको बंद नहीं कर सकते एक ही सूर्य जब उदित होता है गर्मी के समय कितनी गर्मी लगता है पैसा देव में कितने गर्मी होता है आज तो गर्मी कम हो गया और ऐसे से दूर में बहुत दूर सूर्य से भी सैकड़ों मील दूर पर और भी ग्रह नवत कर सूर्य आपने किया शायद आपको ये पता है कि नहीं अब हम जिस पृथ्वी को आप हमने पृथ्वी रोक देंगे ना इस पृथ्वी को अपने केंद्र चंद्रमा दिखाई पड़ता रहता केंद्र चंद्रमा एक चंद्रमा किंतु विज्ञान के अनुसार आप देखो इंटरनेट में जाकर देखो विज्ञान के हिसाब से आप बृहस्पति पे चले जाए बृहस्पति एक है ना वहीं पर बारह चंद्रमा दिखाई दे कितने बारह ट्वेल्व मून आप इसको कभी कभी विज्ञान लोग जो है विज्ञानी जो है इसके रिसर्च के लिए दिखा यहाँ पे एक चंद्रमा को देख के रात में किंतु पृथ्वी चले जाए पर एक ही साथ में बारह चंद्रमा दिया हम इसको सोच नहीं सकते कहां पर हम है इस संसार की जो भूमि जो कर रहे हैं जो सिस्टम सुधार हो रहा है तो सुखा तड़ा तो रखा तो पाता और ऊपर क्या है भूल भूलो मोह जलम तपो सत्व ये जो चौदह लोग पांच में पढ़ने पढ़ने सकते ऊपर में सात लोग और नीचे ये तो बस एक ही ब्रह्मांड हो और इस ब्रह्मांड की कदर सबसे ज्यादा छोटा ब्रह्मांड है
This was promised Brahmandal that we are creating. जिस छोटे से प्रमाण छोटे प्रमाण क्या कर रहे हैं ये चौदह लोग के वर्णन कर दिया है और इस पृथ्वी लोक में हम लोग कितने चंद्रमा में एक चंद्रमा के देख रहे और इसके आगे जाकर के बृहस्पति लोक में चले जाए उसमें बारह चंद्रमा का एक साथ उसकी दूरी दिखाई ये सब तो वर्णन मेरे कहने की तात्पर्य जो है हम लोग इतने छोटा मस्तिष्क में ब्रेन में हम कैसे मानते ब्रह्मा जिसे चार माथों और जिसको सृष्टि करता भी कहा जाता है वो भी समझ नहीं पाते हैं वो सोचते हैं मैं एक ही ब्रह्मांड है बस पढ़ सुन उनके भी मन एक बार हम कर मैं एक ही ब्रह्मांड एक बार कोई भक्त को कथा सुना दे लोग सोचते हैं हम मठ में नहीं रहे तो मठ चलेगा चार वाले तो नहीं वो प्रभु चलाने ये तुम्हारे विश्वास नहीं होते तो तुम सोच रहे हो भाई मठ में नहीं तो मठ नहीं चलेगा प्रभु चलाने वाले प्रभु है यदि प्रभु चाहे रहने पर भी मठ चलेगा और प्रभु जी जैसे सभी चले जाए उनकी इच्छा तो भगवान है सेवा प्रभु जी से सेवा लेने की इच्छा है ना वो उसी प्रकार व्यक्ति को हृदय में प्रेरणा दे करके वो हम सेवा करने वाले नहीं है प्रभु जी हमारी हृदय में प्रेरणा दे तो हम सेवा कर सकते हैं प्रभु की इच्छा यदि हो वो हमारे सेवा दे सकते हैं तुम्हारे द्वारा सेवा करा तुम्हारी सेवा करता है इसलिए अपने की धन न मानो प्रभु के निकट कृतज्ञ मानो कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ मानो ये प्रभु कृपा करके मुझे सेवा भी जो है अवसर दिया कुछ सोचते हैं मठ में नहीं दी रहूं तो मठ चलेगा अत्यंत प्रकार कहते कि मूर्ख तुम रहने पर भी कोई सेवक नहीं सोचते प्रभु चाहे तुम प्रभु जिसकी हृदय में प्रेरणा देंगे वही सेवा करेंगे प्रभु की इच्छा जो है प्रभु की इच्छा में ये पत्ता भी ऐसे विचार करके ब्रह्मा जी ने एक रिजाइन लेटर जो है प्रभु जी को भेज दिया मैं आपसे ये अवसर लेना चाहता हूँ बहुत दिन काम करते करते मैं थक गया तो मुझे आप समझाइए ब्रह्मा जी के मन में ऐसे अहंकार हो गया हम नमस्कार करते हुए प्रभु जी ने कहा ठीक है भगवान ने भी कहा नहीं रहो हम जब कोई चले चले जाते हैं हम कहें तुम्हें वहां मठ में नहीं रहेंगे बुढ़े सोचेंगे नहीं नहीं तुम रहे तुम भी चले जाओ मठ को चले हर बेटे सब समझा बुझा के भगवान ने क्या कि ब्रह्मा जी के बेटा को पूछा ही नहीं बस एक्सेप्ट कर दिया ब्रह्मा जी के घमंड हो गए थे ब्रह्मा जी जब लौटे दूसरे दिन देखा हजारों जो है लोग जा रहे थे लाइन ब्रह्मा जी अपने स्थान पर खड़े हुए देख रहे लंबी लाइन लगी हुई था नहीं है हजार लोग कहाँ जा रहे और सब दौड़ते दौड़ते चल रहे दौड़ते जा रहे किसी का कोई समय नहीं है ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम लोग कौन है कहाँ जा रहे हो बोले आप ही बोले कि आप तुम्हारे बात करने के समय
किसी व्यक्ति ने ब्रह्मा से बात करने के लिए तैयार नहीं, सब दूर रहे। किसी प्रकार से ब्रह्मा की दौड़ करके एक पीछे वाले व्यक्ति को पकड़ ली और पकड़ कर बोले, भाई तुम लोग इतने लंबी लाइन लगा करके कहाँ जा रहे हो, दौड़ के कहाँ जाते हो, मुझे तो बताओ। तो वो पीछे रहने वाले व्यक्ति कहने लगे, देखो आज एक अनाउंसमेंट हो गया मेरे पास, एक अनाउंसमेंट क्या नहीं होती का, ये चार रूप वाले ब्रह्मा जी पता टैग कर दिया, पता से पेपर होते ना, रिजल्ट लेटर दे दिया। इसलिए भगवान ने अनाउंस किया है उस पद के लिए तो पूरा ठीक है, नहीं बचते बस इसमें हम लोग तोड़ रहे हैं। बोले जो पहले पूछेंगे उसके ही उपद मिलेगा। ब्रह्मा जी चार मिनट स्वामी बाबा वही सोच सकते हैं, मैं तो पहले सोचा था जब प्रभु मैं नहीं रहूं तो प्रभु मुझे बनाएंगे मैं छोड़ करके, और थोड़ी कोई ये बात थोड़ी सा मेरे पद को लेने के लिए तैयार हो। ब्रह्मा जी ने किया कि उसी समय अपने हंस वहां से ट्रैक करके रकेट के भाग इतना तीव्र गति से प्रभु के पास आ गए। प्रभु मैं समझ गया, प्रभु मेरा बेटा क्या बोले, कैंसिल कर दिया बेटा, सेवक के कभी कभी जो है अभिमान हो जाता है, सब खाली हो जाए और फिर भर जाता है, परमात्मा खाली होने के लिए भर जाता है। कुछ समय के लिए हो सकते हैं, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में कुछ तकलीफ होता है, कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ, लेकिन विचार होता है तो महाराज जब आप लोग नहीं होते तो कमी तो महसूस होती है, समय के अनुसार कमी तो महसूस होती है, समय के अनुसार सब समय ही में काली पर बलवान है, कोई एक दिन फिर करेंगे फिर नदी भर जाता है। प्रेरणा दे सेवा इच्छा तो उनके यहां थोड़ी है, वही कराते हैं वही करते हैं, क्षेत्र में लड़ाई कौन कर रहे हैं, और पांडव स्वर्ग में हम लड़ाई कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा है। यदि प्रभु की इच्छा थी इच्छा रहते ये युद्ध बंद हो बंद कर देते, कृष्ण ऊपर से सुलहनामा करने के लिए गए पांडव के क्या युद्ध के पास, क्या भगवान चाहते थे सुलहनामा नहीं होता क्या, वही तो प्रभु युद्ध की हिंदा भी बैठे हैं आगे आगे भाई मेरे दोस्ती
जो मेरे पुत्र से बन गया था बन गया। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रह्मा के उपमान था मैं एक ही ब्रह्म हूँ। कहने लगे क्या बोलकर क्या मैं ब्रह्म हूँ। फिर कृष्ण के पास तारपन आकर के बोले ब्रह्मा जी आए उसका नाम ब्रह्मा जी है। मूर्ख तू है। अरे इतने दूर गए कौन ब्रह्मा उसके नाम तो होगा कुछ नाम बता। बोले नाम नहीं पूछा मूर्ख तो मैं ब्रह्मा। फिर दोबारा लौट कर गया ब्रह्मा जी बिल्कुल खड़े हुए बाहर मच्छर काटने लगे से चलो डर के पुत्र मच्छर नहीं दो घंटे के बाद लौट करके आकर बोले भाई आपने तो ब्रह्म बताया और भी डर फटका है। पहले तो फट गया था क्यों डर किया एक डर किया था फिर बोले आपने बोले ब्रह्म मैं सोचा कि नाम ही ब्रह्म। फिर प्रभु ने कहा कौन ब्रह्म। ब्रह्मा जी के और भी संशय हो गए। ब्रह्मा सोचने लगे मैं ब्रह्म छोड़कर दूसरी की ब्रह्म थोड़ी और इन्हें बताओ प्रभु जी ने कहा कौन ब्रह्म। अच्छा ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा इतने बता दो प्रभु के पास जाकर के मैं सनक पिता तो तू सनक के पिता जी आचार मुखा ले कितने बार चला है आई से जन पर आई से जन तार पास जाकर के प्रभु के कहा प्रभु चारों वाले ब्रह्मा सोचो सर है सनक पिता आई उसमें भगवान का आता जी बोले आपसे जाओ ब्रह्मा जी पधारे। सुबह और सुबह में भगवान बैठे हुए थे ब्रह्मा जी आदर करके श्याम कृष्ण बैठा। श्याम कृष्ण के पूछने लगे क्या आरोहण क्या है कारण क्या जैसे कोई व्यक्ति आते हो पूछते रहते हो कहाँ रहते हो क्या करते हो आप क्या क्या सेवा में छोड़ते भगवान की पूछा ब्रह्मांड ने कोई कोशलों की कोई उपाय हुई ऐसे कुछ हुआ क्योंकि ब्रह्मा जी देवता लोग भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कब करते हैं वो लोग जाते हैं जब इस लोग में जब उस लोग जब उपास करते आप अगर प्रभु मैंने मेरा आगमन की वार्ता आपको मैं बताऊंगा पहले मेरे मेरे एक संशय की तरह आप मेरे मन में एक संशय है उस संशय की पहले और तुम्हारे मन में क्या संशय है ये आपने दर्पण के बताया अपने दर्पण को बताया आप कौन ब्रह्म कि मैं छोड़कर तो और कोई ब्रह्म है इस कथा को सुनकर के भगवान जिनके मस्तक ऐसे था जिसके आठ मस्तक था ये ब्रह्मा के चार है आठ मस्तक वाले ब्रह्मा आ गए सोलह मस्तक वाले ब्रह्मा जी आ गया चौसठ मस्तक वाले ब्रह्मा जी आ गया सैठ करोड़ और भी जिसको हम समझ नहीं सकते बड़े बड़े पहाड़ों के वहां शरीर सुखा रहे जिनके शरीर भी बहुत लंबे चौड़े होते हैं। एक तो आठ वाले ब्रह्म आठ रूप वाले ब्रह्मा है और उनके शरीर भी दुगुना है और जिसके चौसठ मुख वाले ब्रह्मा जो होता है उनके नाभि तीन गुना चार गुना उसके शरीर में ब्रह्मा जी तो कुछ ब्रह्मा जी को ऐसे देखने लगे बोलते और ये कौन आ गया शरीर भी उतना बड़ा लंबे चौड़े जितने लंबे उतने चौड़े है तो हाँ मैं तो ही कहा ना
और कौन से भी महिमा में कौन से भी हैं ऐसे करके आ रहे हैं बाबा सुख वाले ब्रह्मा जी हैं जब चलते हैं उनके लंबी चौड़े नहीं होगा और से ये हजार मुख वाले ब्रह्मा जी फिर सहस्त्र मुख वाले और उनके शरीर भी है विशाल शरीर मैंने पहले कहा था सुदर्मा समाज जो है उसमें जितने लोग जितने प्रकार के लोग आ रहे हैं जितने बड़े शरीर हो उसके सब सब ठीक हो जाता है इसमें संशय की बात नहीं और सब किंतु भगवान की जो में ऐसे प्रभाव एक बार भगवान ने किया सारे ब्रह्मा आदि एकत्रित हो गया किंतु भगवान की जो में जाए एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को देख नहीं पा रहे है तो साथ ही साथ बैठे हुए चौसठ मुख वाले ब्रह्मा जी सौ मुख वाले ब्रह्मा जी के साथ बैठे हुए किंतु एक दूसरे को देख नहीं पा रहे ब्रह्मा जी भगवान की ऐसी लीलाएं हैं अगर भगवान ने एक दूसरा देख नहीं पा नहीं ये हजार मुख वाले ब्रह्मा जो है चौसठ मुख वाले ब्रह्मा जी को देख नहीं पा रहे हजार मुख वाले ब्रह्मा सोच रहे हैं कि स्वयं भगवान मुझे केवल बुलाए जैसे आपको मैं बुलाया उनको बुला हजार लोग मैं बुला जाऊंगा क्योंकि अपने मेरे काम में तो आप बैठे हुए ये भी बैठे किंतु भगवान की जो मैं ये आपको देवी पर आप किंतु चार लोग वाले ब्रह्मा जहां पर है बैठे हुए वो सभी को देख यही लीला हो गया भगवान ये भारत में पढ़ और उन्हें ऐसे ब्रह्मा को देख करके विचार करने की बात पर ये कहां से आए और ऐसे से ब्रह्मा की तरफ जब आपको कभी देखे तो जैसे विशाल एक हाथी के निकट जैसे छोटा सा जैसे मच्छर जैसे ये चार मुख वाले छोटा वहां भी तो बहुत बड़ा हो जाता है पर यहाँ पर लिखा है मच्छर मच्छर ये चार मुख वाले हजार मुख वाले बाद चौसठ मुख वाले ब्रह्मा के निकट अपने लिए ये छोटा सा मच्छर ले लिया जैसे हाथी विशाल हाथी और उनके हाथी के सामने मच्छर क्या रहते जितनी है ब्रह्मा जी देख करके हाय और सारे स्वयं भगवान कृष्ण दादा जी सभी ब्रह्मा के जो है आदर सत्कार किए सब पूछने लगे कि तुम लोग सब ठीक हो सब लोग एक एक प्रश्न पूछा करो बुलाए भगवान मतलब मुस्कान करते हुए कहने लगे आपके बुलाने के कारण यह दो दिन आपके दर्शन नहीं किया थोड़ा इसलिए आप बताओ आप उनके राज्य में ब्रह्मांड में कोई विपद आप है क्या नहीं कोई असुर लोग आप उनके कुछ उत्पाद है कुछ कानून के सभी ब्रह्मा लोग एक ही कारण लिए प्रभु जब आप विराजमान है सब आपकी कृपा दृष्टि के साथ भगवान ने सभी ब्रह्मा की जो है जाओ अपने संतान को जाओ सभी ब्रह्मा लोग चले गए तो चार रूप वाले ब्रह्मा जी क्योंकि निकल आज मैं प्रणाम करेंगे प्रभु मेरे मन में जो संशय था वो अपने आप अपने भगवान ने उनका मुस्कान किया कि कह रहे क्या संशय था ब्रह्मा जी मेरे मन में नहीं संशय था मैं तो ऐसे होता था मैं केवल एक ही ब्रह्मा एक ही ब्रह्मांड का जब आपने कृपा करके मुझे ब्रह्मांड की अनंत ब्रह्म को आपने मुझे इस लीलाओं के द्वारा ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग प्रभु की लीला इस समझ की बात ब्रह्मांड के आदि जो मंत्र ब्रह्मांड आदि ये समझ की बात है हम क्या समझ जैसे आप कहा हम तो प्रदेश में जा रहे थे एक चंद्रमा के देखते आप जाकर देखें कितना दिन में देखा दिव्य स्तुति में रहकर कितना चंद्रमा के
इतनी बड़ी बड़े हाँ सब शाह दिखाते हैं बहुत कुछ आपने सीखने की बहुत कुछ मिले थोड़ी सी और उतना की क्या हमारे शरीर में हम देखो अतीत की बात हम ही डालते हैं देखो इस मुंह में आप क्या डालते हैं भोजन देते हैं चावल दाल सब्जी एक ही मुंह में और क्या क्या पानी भी पीते हैं जूस भी पीते हैं एक ही मुंह में देखो अंदर में जाकर के देखो है भोजन जो है ताको करके जो जरूरत नहीं जिसमें बच्चों पड़ता है पदार्थ होता है जो जरूरत नहीं होता उसके फलदार के द्वारा निकल जाता है इसका हम पैखाना करते हैं और दूसरी जो हम पानी जो पीते हैं पानी पीते हैं वो पानी भी तो फलदार से निकलता नहीं है कहां से निकलता है किसान घर से निकलता है भगवान ने ऐसे शरीर को भी ऐसे सुंदर भी बनाए किसी शरीर में हम भी चिंता नहीं करते समझ नहीं पाते प्रभु ने क्या क्या विस्तार बनाया समझ में देखो हम पानी भी पी रहे हैं तो पानी कहां से निकाल रहे हैं जो पानी जरूरत होते हैं जिसको बच्चों को डाल भगवान ने दूसरी दाल बनाई दे रहे तो मुंह में पानी दे रहे और नागरिक कैसे कैसे कहां कहां होते हुए उस पानी को भी शरीर से कहां कौन सा दरवाजे में निकाल रहे प्रभु जी लीला समझना कितने सहज वितांत देख करके हैरान हो जाता है वितांत का भी बाप जिन्होंने इस शरीर पे जितना रचना की इस पे जब हम विचार करते इसके अंदर में प्रवेश करते हैं और उससे जो ब्रह्मांड और अनंत बड़ा ब्रह्मांड क्या हम विचार करें प्रभु की लीलाओं में क्या हम विचार करें इससे कहते हैं आत्मा प्रवचन लाभो न बहुना सते चौमे वर्षे मिलते तेन और रखो तस्से आत्मा विप्रुते प्रभु की कथा प्रभु के वाहन कार्य में समझना अतीव कठिन है प्रभु की प्रभु की समझना कोई पाठ प्रवचन की तरह संभव हजारों साल तक ये पाठ करते रहे वे पाठ करते रहे स्कैन कर लीजिए पानी की बैकग्राउंड बैकग्राउंड के अनुसार सब कुछ भी पढ़ लीजिए रख लीजिए प्रभु की बहुना सुनते हजारों साल तक भी श्रवण भी करते रहे तो भी प्रभु की ऐसी स्वरूप उनकी राम भी जाए समझना संभव तो कैसे शिवरा नारायण आत्मा प्रजन लभो न मिद्रा न बहुना सुते स्वामी विषय मृत्य ते प्रलब्धो तसे स्वामी मृत्य जब स्वयं भगवान कृपा करते अपने स्वरूप प्रयास करो तुम भजन करो साधन करो साधन और कोई कारण नहीं मुझे कुछ करना नहीं है जब होता दिखता दिखाई पड़ेगा लेकिन मुझे भी कहते हैं महाराज हमारे घर में तो मंदिर है घर में ठाकुर जी है कि नहीं है तुम्हारे घर में ठाकुर जी तो है राधा कृष्ण तो है कि नहीं है पूजा करते नहीं और वो भी अपने गुरु के द्वारा ही प्रतिष्ठित दिख रहे तो मंदिर आने की क्या जरूरत प्रश्न तो करते हैं ना विदेश में जाते हैं ना विदेश में बहुत प्रश्न करते
मंदिर आने की क्या जरूरत है? ठीक है, हमारे घर में ये तुम्हारी जब तीन फुट ठाकुर की है, हमारे घर में डेढ़ फुट ठाकुर की है, छोटा तीन को बड़ा मित्र है। और वही मित्र तुम्हारे मित्र जो है मंदिर में जो मित्र जो है तीन फुट और चार फुट जो बड़ा मित्र जो है जो बोले जब दान देना ये वही का गुरु, वही का गुरु के द्वारा प्रकाशित हुआ। मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मंदिर में तो हम भागवत पाठ करते हैं, तो घर में तो हम भागवत पाठ करते हैं, तो मंदिर में जब मंदिर में क्या है मंदिर में भागवत पाठ तो घर में रहो। कुछ लोग कहते हैं भाई मंदिर बोलते जाने के क्या चक्कर में क्यों पड़ते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं मंदिर में जाओ तुम्हारे ब्रेन वॉश हो जाए। मंदिर मंदिर का छोड़ दो, अपने घर में मंदिर है, अपने घर में पाठ किया करो। बता सकते उत्तर क्या होने जब अर्धे घंटा मंदिर में साधु संत मिल जाएगा घर में साधु संत। अरे घर में मेरा माता जी साधु नहीं है
होती है वही खुदे के द्वारा प्रतिष्ठित किया भागवत पाठ करते घर मंदिर में जाने की क्या जरूरत इसके ऊपर बहुत सुंदर है बच्चों के कहे बात नहीं सकता है आपकी सारी बात मैं मान लेता हूँ आपके घर गृह मंदिर भी सत्य निकाल जितना गृह वाले ना देखी गृह के गुणों का भार चरण में सिंधु देखिए गंगा शुद्ध जिस दिन भी हमें सब एक तन्मय होकर के सभी लोग एक गुरु से दीक्षित मंत्र ले लिया पिताजी भी ले लिया माता जी भी ले लिया भाई बहन भी ले जो कुछ ऐसा परिवार के सब कर लिए और ठाकुर जी दीक्षा दिए तो घर का हमारे मंदिर है इसका एक गृह मंदिर का है उसके गृह में क्या होता है गृह मंदिर कहा जाता है बहुत सुंदर की बात है मैं प्रशंसा करता हूँ अच्छी बात हवा में जो रुक होता है ठंडी हवा में किंतु वही ठंडी हवा जो है जब सूर्य किरण किरण रास्ते में जो चलते हो वो आपको इतना ठंडी नीचे गर्म देता है कुछ हवा आते हैं हम तो चलते हैं तो हवा बड़ी सूर्य के तेज से जो है वो गर्मी हो जाती है किंतु वही हवा कोई चलते चलते कोई विशाल एक मैदान पर विशाल एक बरगद के पेड़ के नीचे आप छाया में बैठे बरगद के पेड़ के नीचे आप घर बैठ जाते हो देखो वही हवा जो वहां की लोग मैदान में जो आप चलते आ रहे थे सभी झुलस रहा था गर्मी और तरसते थे पसीना तो रहा टपक रहा था और वही पर्वत के पेड़ के नीचे जो बैठ जाते हो हवा जो चलते हैं और बरगद के पेड़ की वो पत्ते जो झुलते रहते हैं और आपके जो बैठन करते हैं कितने आनंद आप उसमें समझे किस उदाहरण से समझो शीतल शरीर शीतल हो जाता है पसीना दूर हो जाता है एक मिनट पहले दो मिनट पहले बैठ रहे ऐसे लगते हैं कि दो घंटे बाद मैं उस बालक के पेट के नीचे बैठ रहे तो शरीर थोड़ा सा रहा गर्मी हवा तो है बाहर किंतु वह हवा सूर्य रश्मि के द्वारा गर्म हो गया उतना आनंद नहीं था किंतु आज पेड़ के लिए बरगद पेड़ के नीचे जब आप बैठे देखो कितनी आनंद है और अपने आप नींद भी आ जाती है मेरा याद है क्या कुछ चला दिया कि कहाँ रिखाई से आगे चले बहुत दिन तक चले बल्कि गेट मारेंगे जब आप आपके आदत का चलने समय ऐसे लगते थे कहीं स्थान हो इसमें वो दिन की बात है इसमें ये ज्यादा घर भी नहीं था दो दिन तक खाली बैठा था कहीं पेड़ पेड़ जी जब बैठ जाता था साइकिल रख देते ऐसे लगता था और किसी में चले कि जब परिश्रम होता है शरीर सब कुछ बिल्कुल कुछ ना से दिख जाता था पेड़ के नीचे जब बैठ जाता था ऐसे लगते हैं और किसी में जब किसान दूर चलता है मेरे क्या आप इस सब जानते हैं मेरे क्या आपका प्रॉब्लम देखिए हैं पुराने की बात मेरे को यूज़ भी याद आ गए स्मरण हो रहा है आजकल कि उस पेड़ के लिए जब मैं बैठ जाता साइड पर क्योंकि नींद आ जाती है तो मैं चीजों में चला क्योंकि जब पेड़ के नीचे किसी तरह के बरगद के पेड़ के नीचे जब मैं बैठ जाता है और कितनी सुंदर सुचिता स्थित हवा आकर के आपके शरीर को इतने शीतल बना देते आराम मिलाए ठीक उसी प्रकार हमारे घर का मंदिर है घर का वैष्णव है
किंतु कहीं कहीं गृह में आप रहते हैं किसी भी ताप या सूर्य जो ताप जो है आपको ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे शरीर की ताप मुझे नहीं जाते संत महात्मा की सानिध्य जब बैठ जाते हैं संत महात्मा जब आपकी कुशल वार्ता से पूछते हैं सीधा करते हैं आदर करते हैं तो लोग आकर आपके हृदय को क्या करते हैं बनाते यही उदाहरण मैं देता हूँ मंदिर में आने पर ठाकुर जी के सामने जब आप बैठोगे संत महात्मा जी के निकट जब बैठोगे उनके मुखारविंद से जब हरि कथा जब श्रवण करोगे उनके जो स्नेह प्रति ठाकुर जी श्रवण करोगे अपने आप से शुरू करोगे इसमें साथ में कहते मंदिर में मंदिर में आने के यही तक पर जो है शुद्ध संत महात्मा के सानिध्य में पड़े उनके पास बैठ जाए और उनके मुखारविंद से स्नेह भरे ममता की पूजा स्नेह भरी ममता जी के प्रथम थे मंदिर में लोग इसलिए आते संत महात्मा के स्नेह में काफी जाते और कोई कारण नहीं है हम तो घर में खाते रहते हैं मतलब वही चावल बनता है वही सब्जी बनता है देखो संत महात्मा जी का ठाकुर जी सभी लोग क्या चाहते हैं थोड़ा सा मीठी बच्चे जिस मंदिर में संत महात्मा हमें आदर नहीं करते हैं स्नेह नहीं करते हैं तो मरुभूमि रेगिस्तान जैसे देखने तो मंदिर है ये तो वो ये शास्त्र के वचन है आइए हम संत महात्मा के निकट बैठे शुद्ध संतान जो मुझे आदर करे स्नेह करे प्रति करे हमारे भाई वासना धीरे धीरे मैं तो झुलस रहा था संसार सूर्य के किरण के द्वारा मैं झुलस रहा था संत महात्मा के निकट आने के यही तो तात्पर्य है हम क्या चाहते हैं हम मंदिर में आते हैं हम क्या चाहते हैं जो मंदिर में इतने आते हैं इसलिए आदर से प्रीति से स्नेह से हमें जो वचन सुना दे बस गुरुदेव भी स्मरण रखते थे आज तुम क्यों नहीं आए गुरुदेव अरे तीन चार दिन हो गया क्या बात हुई आई नहीं मुझे कुछ नहीं अच्छा मुझे इतने शब्द पूछने से आपके हृदय कैसे हो जाते द्रविभू के आंखों से आंसू घर में तो कोई पूछने वाला नहीं तीन दिन खड़े रहो तो बिस्तर में कोई पूछने वाला नहीं था किंतु संत महात्मा निकट जब मैं आ जाता हूँ संत महात्मा इतने मधुर वचनों के द्वारा जब कह देते हैं अरे तीन दिन हो गए चार दिन हो गए क्यों आई नहीं तुम क्या बात भजन करने वाले व्यक्ति के मुंह से इतने शब्द निकलते हैं और उसी कथा को सुन करके मेरे हृदय का सुख हो जाता है संत महात्मा यही लक्षण है जो संत महात्मा मुझे थोड़ा सा अपने मधुर वचन के तारीख में पूछ लेते हैं मेरे हृदय और मेरे सारे पाप अपने आप बलवंदावन बिहारी लाल आज मठ मंदिर में हम जाते हैं कितना संत महात्मा की
उसको जो मैं ही कर रहा हूं, उस वस्तु का मैं खोया दिया, उस वस्तु की फिर मैं खोज रहा हूं। ये ऐसे की सब तो महात्मा को आ जाए मेरे सन्निधि जब कितने तो मुझे पूछे, मैं उस संत महात्मा जाकर के नहीं कहता महाराज मुझे प्रसाद नहीं मिली। ये हमारी तो उद्देश्य है, हम तो संत महात्मा निकट यही इसलिए आते हमारी दीक्षा की झोली उठाई दे दे मधुर वचन रूपी प्रसाद, हम और कुछ नहीं चाहते। ये हम एक झोली लेकर के मंदिर में आ जाते हैं, उनकी सुंदर मधुर वचन को दिल में लेकर के मैं घर जाता हूं और इसमें मंदिर में नहीं दी तथा उसमें सारी लोग रोने लगे। मैं कर महाराज आप सही मंदिर में लोग इसलिए आते हैं, ये जहां पर संत महात्मा भजन करने वाले संत महात्मा होते हैं ना, वो मुझे कितने शब्द जब बोल देते हैं मेरा जरूरत हो जाता है, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठने से है? जैसे सुंदर सुशीतल हवा आकर के मेरे हृदय में सिद्ध सुशीतल करते शीतल कर देते हैं, बोले उसी प्रकार भजन करने वाले संत महात्मा मुझे प्यार हो जाएगा। इसलिए मैं सुन इसमें तो कार्य गोविंद देव अपने माँ देवी के कार्य हे माँ सतान प्रसन्नार मोहित संदिरो संत महात्मा निकल जाते बोले कौन सा संत महात्मा, सभी संत महात्मा बात में बैठना नहीं है, रूप का सुख बहुत रूढ़ भाषा वाले संत महात्मा के लिए उसके बाद बैठने से और भी तुम्हारे जो है ताप कर जाएगा। ऐसे संत महात्मा के पास जाकर के बैठो, स्नेह दे प्रीति दे मधुर वचन दे आनंद, यही हमारी जरूरत है और कुछ नहीं। वृंदावन बिहारी लाल गोविंद वल्लभ हरि गोपाल बोलो गोविंद वल्लभ हरि गोपाल गोविंद वल्लभ हरि गोपाल बोलो गोविंद वल्लभ हरि गोपाल I'm gonna make it.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh, my God.